अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज रमज़ान का पांचवा रोज़ा है और मैं सफ़र में हूँ, ये देखिए। अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों आपको ये वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये वीडियो सना अंसारी का है और सना अंसारी ने अपने हज के सफर की शुरुआत कर दी। जिस तरीके से शिहाब भाई ने अपने हज की सफर की शुरुआत की थी मक्का शरीफ के लिए, और मक्का शरीफ के लिए सना अंसारी जो है अपने सफर पर रवाना हो चुकी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। दोस्तों आप सभी लोग उनके लिए दुआ करें ताकि उनके सफर में आसानी हो। और दोस्तों बहुत सारे लोग जब उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी, बहुत से लोग गलत गलत बोल रहे थे कि इनको अपना सफर नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग तरह तरह के लोग जो है कमेंट कर रहे थे, लेकिन इनका जो सफर है उन्होंने अपने सफर को अंजाम दिया और आज भी अपने सफर को वह करती हुई नजर आ रही है। स्क्रीन पर आपको दिखाई देता होगा वह अकेले ही अपने सफर को करते हुए जा रही है, लेकिन उनके जो पति है उनके साथ में चल रहे हैं, मगर आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते होंगे। अभी कुछ टाइम पहले सना अंसारी का एक वीडियो आया था जिसमे सना अंसारी ने खुद बताया कि सना अंसारी की जो महरम है वह उनके साथ में ही सफर कर रहे हैं, और सना अंसारी जो है ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब जहाँ पर भी जाएगी उनके महरम जो है उनके साथ में ही सफर करेंगे। आप पहले वो वीडियो देखें। बट मेरे शोहर जो है उन्होंने ऐसी कोई नियत नहीं की है कि वो चल के ही जाएंगे, उनकी मर्जी, वो बाइक पे चले, कार में चले, वो मेरे साथ में गाड़ी लेके। आप लोगों को अगर वो वीडियो में नहीं दिख रहे है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे साथ में नहीं है। वो 24 घंटा मेरे साथ में है, और मेरे शोहर इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, हर कंट्री में मेरे साथ में रहेंगे और हम साथ में ही 2025 की हज करेंगे। तो गाइज मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ। तो दोस्तों सना अंसारी ने मन्नत मांगी थी कि सना अंसारी जो है पैदल हज की शुरुआत करेगी, लेकिन उनके पति है उन्होंने कुछ ऐसी मन्नत नहीं मांगी है। वह चाहे सवारी से अपने सफर को कर सकते हैं या फिर पैदल भी अपने सफर को कर सकते हैं, लेकिन आपको जो अभी स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहा है सना अंसारी का जो सफर है वह इस वक्त जारी है। जिस तरह से शिहाब भाई, नौशाद भाई और बंगाल के एक शख्स है उन्होंने भी अपने सफर की शुरुआत की थी, जो बंगाल के एक शख्स है उनका जो सफर है वो इस वक्त ईरान के अंदर चल रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनका सफर भी पूरा मुकम्मल हो जाएगा। उनके लिए भी दोस्तों आप सभी लोग दुआ करें ताकि उनके सफर में आसानी हो सके। और आप देख सकते हैं नौशाद भाई अभी इस समय मक्का शरीफ में पहुंच चुके हैं, माशाल्लाह। दोस्तों आप सभी लोग उनके लिए भी दुआ करें। और दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इस चैनल के माध्यम से आपको सना अंसारी के बारे में हर एक अपडेट जानने को मिलती रहेगी। और दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो भी शिहाब भाई जिस तरीके से अपने सफर को करते थे, 25 से 40 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर, ठीक उसी प्रकार से ये भी अपने सफर को करते हुए जा रही है। और इनका जो हज का सफर है वो 2024 में नहीं बल्कि 2025 में जाकर उनका हज का जो सफर है वो कम्प्लीट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग उनके लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें ताकि उनके सफर में आसानी हो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सच्ची और पक्की जानकारी जो है और भी लोगों तक पहुंच सके।